देखो भाई, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट शीट का। इसका दूसरा नाम यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग भी है। आपका आई थिंक 10th या 11th चैप्टर होना चाहिए आपके बुक में। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड दो हिस्सों में चैप्टर डिवाइडेड है। आज हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट शीट है क्या, पहले हल्का सा ओवरव्यू ले लो। जैसे आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो पूरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाया करते थे ना, ट्रेडिंग पीएनएल में सारे खर्चे आ जाया करते थे, सारी इनकम आ जाया करती थी और आपको लास्ट में नेट प्रॉफिट भी पता लग जाता था। कुछ कुछ ऐसा ही कॉस्ट शीट है, बट जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि कॉस्टिंग के अंदर हम अकाउंट फॉर्मेट में आमतौर पर नहीं चलेंगे। डेबिट क्रेडिट का काम नहीं है यहाँ, यहां सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, कंप्यूटेशन का काम है। तो चीज वही है, ये भी हमें सारे खर्चे बताएगी और सारे नेट मिला के प्रॉफिट बताएगी, लेकिन अकाउंटिंग की फॉर्मेट में नहीं है, डेबिट क्रेडिट की फॉर्मेट में नहीं है। एक चार्ट है, एक शीट है, वो बनाकर हमें दे देनी है। थोड़ा सा डिटेल ही बनानी पड़ेगी, लेंथ बढ़ा लेते हैं थोड़ी। पहले हम पूरी कॉस्ट की बात करेंगे। एक फैक्ट्री की पिक्चर दिमाग में विजुलाइज कर लेना। मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है और उस फैक्ट्री की सारी कॉस्ट को आपने जानना है। सबसे बड़ा खर्चा बताओ कौन सा होता है? मटेरियल। तो जितना फैक्ट्री में मटेरियल लगा है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जितना फैक्ट्री में मटेरियल लगा है वो सारा का सारा जो कॉस्ट है वो आपने यहां पर लिख देनी है, ड्यूरिंग द ईयर जितनी लगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा खर्चा क्या होता है? वेजिस, मजदूरों की मजदूरी। तो जो आपकी डायरेक्ट वेजिस है वो भी यहां लिख दो। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डायरेक्ट, बारी बारी है ना, मैंने ओनली मटेरियल नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट मटेरियल वर्ड यूज किया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क पता है? ऐसा खर्चा जो सीधा सीधा प्रोडक्शन के ऊपर लग रहा हो वो तो है डायरेक्ट, जो सीधा प्रोडक्शन पर नहीं लग रहा, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में काम आ रहा है वो है इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल, मान लो ये मार्कर किसी फैक्ट्री में बना। अब वो मटेरियल जो आप इसमें डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, लाइक इसका प्लास्टिक हो गया, अंदर की इंक हो गई, आगे की ये पिन हो गई, ये सब चीजें क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। अब सपोज करो कि जिस फैक्ट्री के अंदर ये मार्कर बनता है, ये जो मोल्डिंग है, प्लास्टिक को मोल्ड किया गया है शेप के अंदर, वो मोल्डिंग वाली जो मशीन है जिसमें प्लास्टिक के गोल शेप में बनता है, वो मशीन कोयले से चलती है। उस मशीन में कोयला डालना पड़ता है, फिर मशीन में प्लास्टिक डाला जाता है, फिर प्लास्टिक क्या है, इस शेप में निकलता है। तो वो जो कोयला खरीदते हो भी तो मटेरियल है, वो भी फैक्ट्री में पड़ा रहता होगा, वो भी कंज्यूम करते हैं हम। लेकिन क्या उस कोयले को हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर ट्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं ना, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। अभी हम हमारी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री में कोयला लग रहा है, फैक्ट्री में ये माल लग रहा है, लेकिन जो मटेरियल डायरेक्टली लग रहा है प्रोडक्शन में वो तो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो इनडायरेक्टली लग रहा है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। सेम फॉर द नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजिस। डायरेक्ट वेजिस मतलब वो मजदूर जो सीधा सीधा प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, समझ गए? जो मजदूर इसको बनाने में लगे हुए हैं, कोई इसमें इंक डाल रहा है, कोई उस मशीन से इसकी शेप बना रहा है, कोई इसकी पैकिंग कर रहा है, वो सारी मजदूर जो इसकी प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको जितनी मजदूरी दी है वो डायरेक्ट वेजिस। अभी इनडायरेक्ट कौन से होंगे? फैक्ट्री में 100, 200, 300 मजदूर काम कर रहे हैं, उनको संभालने के लिए हमने सुपरवाइजर रखा हुआ है जो उनकी देखरेख करता है। हाँ भाई, सभी मजदूर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कहीं कोई बैठ के तंबाकू तो नहीं लगा रहा, कहीं कोई गप्पे तो नहीं मार रहा, कोई चाय का कह के 15 मिनट का कहे, कहीं डेढ़ घंटे बाद तो नहीं आ रहा, कौन कौन आज एब्सेंट है, उनकी अटेंडेंस का ध्यान रखना, ये सारा काम करने वाला सुपरवाइजर, उसको भी हम सैलरी देते हैं, उसको भी वेजिस देते हैं। तो क्या वो सुपरवाइजर डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहा है? तो उसको दी जाने वाली सैलरी या वेजिस कहलाई जाएगी
इनडायरेक्ट वेजेस। एक एग्जांपल और, मान लो वो 100-200 वर्कर काम कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम चाय पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए हमने क्या है, हेल्पर रखे हुए हैं, सेकेंडरी स्टाफ रखा हुआ है जो उनको टाइम टू टाइम चाय पानी पिलाता रहता है, समझ गए। अब उस स्टाफ को भी तो पेमेंट करनी पड़ती है, जो चाय पिलाने वाला जो लड़का है उसको पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसकी मजदूरी कौन सी है, इनडायरेक्ट। वो भी फैक्ट्री में ही काम कर रहा लड़का, चाय पिलाने वाला भी, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे ओनली कौन सा खर्चा लिखा, डायरेक्ट वेजेस, वो भी खर्चा है, वो लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखा हमने। इनडायरेक्ट मटेरियल भी लिखना है, वो भी कॉस्ट हमारी, लेकिन अभी हमने उसको कंसिडर नहीं किया, हमने ओनली डायरेक्ट डायरेक्ट को कंसिडर किया है। इसके बाद है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन में लगने वाले बाकी और खर्चे। जैसे मान लो ये मार्कर बना, मार्कर के ऊपर कुछ पेंटिंग कुछ की गई है, कुछ मतलब डिजाइन बनाया गया है, या कोई रेडीमेड गारमेंट्स की कोई मान लो फैक्ट्री है, उसमें बटन्स लगाए गए, या कुछ और बुटीक का, या कुछ भी काम किया मतलब डिजाइनिंग का, तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाले बाकी और खर्चे जिन्हें हम डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट में ट्रेस कर सकते हैं, वो कौन से एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होंगे, वो डिस्कस कर लेंगे अभी, लेकिन अभी आपने कौन कौन से एक्सपेंस डिस्कस किए, ओनली डायरेक्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जोड़ को हम क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। याद रखना, प्राइम कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबके एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में घूमने चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है पता होना चाहिए, डायरेक्ट वेजेस क्या होती है पता होना चाहिए, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ओके, है ना। चलो भाई, हो गया। अभी हमें फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलना, फैक्ट्री की इमेज दिमाग में रखो, फैक्ट्री के मेन मेन खर्चे तो लिख दिए, लेकिन अभी इनडायरेक्ट सारे खर्चे बच गए ना। जैसे हमने बात की थी इनडायरेक्ट मटेरियल की, अब वो खर्चा भी जोड़ दीजिएगा, गॉट इट, ठीक है ना। हमने बात की थी इनडायरेक्ट वेजिस की, सुपरवाइजर सैलरी, हेल्पर सैलरी, वो सब भी यहां लिख दीजिएगा, ठीक है। और तीसरा कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी यहां लिख दीजिएगा। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कुछ दो चार एग्जांपल दे दो, कौन कौन से हो सकते हैं, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री के अंदर मशीनों द्वारा यूज की जाने वाली पावर का खर्चा, बिजली का खर्चा, ठीक है, ये सारे खर्चे, फैक्ट्री की मशीनों का डेप्रिसिएशन, सब खर्चे कौन से होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब आप इतना सारा काम कर लोगे और फिर जो निकल कर आएगा, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। क्या नाम दोगे इसे आप, फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बता दो, ठीक है ना। पहले सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे, फिर सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चों के जोड़ को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट में जब इनडायरेक्ट खर्चे और जोड़ दिए जाएं तो उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर हम एक नाम और भी दे सकते हैं, उसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ओ ओब्लिक एच मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। एक नाम और भी दे सकते हैं वर्क ओवरहेड, क्या नाम है, वर्क ओवरहेड। एक नाम और, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। एक नाम और, वर्क ऑन कॉस्ट, कुछ ऐसा ही लिखा दिखेगा आपको, ऑन कॉस्ट के बीच में स्पेस नहीं दिखेगा, वर्क ऑन कॉस्ट, ठीक है। वर्क ऑन कॉस्ट कह दो, वर्क ओवरहेड कह दो, प्रोडक्शन ओवरहेड कह दो, फैक्ट्री ओवरहेड कह दो, एक ही बात है। मतलब फैक्ट्री में मेन खर्चे तो ये लगे,
आपका प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है ना, फैक्ट्री में मेन खर्चे तो ये लगे, और उन खर्चों के अलावा ऊपर और जो खर्चे लग गए, ऊपरी व्यय, ऊपर के खर्चे, ओवरहेड, वो ये हो गए। वर्क कह दो, काम पर और खर्चे लग गए, वर्क ओवर सेम बात है, प्रोडक्शन में और ऊपर लग गए, कर तो प्रोडक्शन ही रहे हो ना, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कह दो। वर्क ऑन कॉस्ट मतलब वर्क करते करते जो और खर्चे लगे, ये नाम दे दो, या अलग अलग नाम दे दो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपको जैसे मर्जी कह सकता है, यू लिखा आ सकता है, फैक्ट्री का रेंट इतना है, फैक्ट्री का रेंट क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है, यहां लिख देना। ये सेम लैंग्वेज फॉलो करना जरूरी नहीं है, आपको समझना है कि चीजें क्या है। जिस चीज का नाम आया, तुम्हें लगा कि ये खर्चा तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, तो डायरेक्ट मटेरियल के सोचते हुए प्राइम कॉस्ट में लिख दो। तुम्हें लगा कि ये तो इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो आप यहां लिख दो। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की पावर, कुछ भी नाम आए, वो नाम यहां लिखो और अमाउंट यहां लिख दो, वो फैक्ट्री कॉस्ट में ही आएगा। समझ गए हैं ना, किसी को भी कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है जी। इसके बाद फैक्ट्री का यहां तक काम हो गया। अब इसके बाद आपने फैक्ट्री से बाहर निकल जाना है। फैक्ट्री कोई खर्चा छोड़ा तो नहीं हमने, कोई ऐसा एक्सपेंस जो फैक्ट्री में लगता हो हमने छोड़ दिया हो? कोई नहीं छोड़ा। अगर छूट गया तो यहां कवर कर लेना उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, कोई राय नहीं। वैसे सीधा सीधा प्रोडक्शन में लगने वाले सारे खर्चे हमने जोड़ दिए, और जो प्रोडक्शन में सीधे नहीं लग रहे, इनडायरेक्ट है, वो भी सारे जोड़ दिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस, सब कुछ ऐड कर दिया है। तो फैक्ट्री का कोई एक्सपेंस बचना नहीं चाहिए, सारे खर्चे आ गए। अब फैक्ट्री से बाहर निकलोगे तो तुम अपने ऑफिस के बारे में सोच लो। हमने सारी कॉस्ट का जिक्र कर लेना है, जितने खर्चे होते हैं सारे खर्चे आ जाएंगे इस कॉस्ट शीट के अंदर। तो अब ऑफिस के खर्चों की बात कर लेते हैं। उनको मैंने नाम दे दिया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पहले भी नाम सुना है ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब आपने फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी जोड़ देना है, और ये जो निकल कर आएगा उसको आप नाम दोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के एग्जाम्पल दे दो बल्ली सिंह। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कौन कौन सी चीजें आती है? हाँ जी, मैनेजर का एक्सपेंस, ओके, और? अरे इतना कंफ्यूजन थोड़ी है, ऑफिस को विजुलाइज करो। एक ऑफिस है, वहां पे स्टाफ नहीं बैठा होता, स्टाफ की सैलरी, फर्नीचर नहीं लगा होता उसका डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर नहीं लगे होते उनका डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर में कागज लगे नहीं दिख रहे क्या आपको? दिख रहे हैं ना, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी। मैनेजर बैठा होता है, मैनेजर की सैलरी, अकाउंटेंट अकाउंट बना रहा होता है, अकाउंटेंट की सैलरी, अकाउंट की ऑडिट करवानी है, ऑडिट की फीस। समझ रहे हो? तो पिक्चर विजुलाइज कर लो, जितने भी ऑफिस का रेंट है मान लो यही आएगा, ठीक है ना। माल का इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस कहीं ना कहीं ऑफिस रिलेटेड है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस भी यहां आएगा। समझ गए? जितने भी ऑफिस के खर्चे लगेंगे, जितना भी प्रशासन मतलब मैनेजमेंट बनाने का जो खर्चा है, वो सब यहां आएगा, ठीक है। पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकेला ये नाम भी आ सकता है, तो आपके लिए ईजी है, और अलग अलग नाम भी आ सकते हैं, तो आप नाम लिख लिख कर यहां ऐड करते जाइएगा, ओके ना। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है? अब देखो, ध्यान से देखो, हमने अगर आपने माल बनाना है तो फैक्ट्री का होना जरूरी है, फैक्ट्री के सारे खर्चे, और फैक्ट्री के साथ ऑफिस का भी होना जरूरी है। ऑफिस के बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज सारी की सारी मैनेजमेंट ऑफिस से ही होती है। ऑफिस होगा तो फैक्ट्री चलेगी, इधर फैक्ट्री नहीं चलेगी। इसीलिए फैक्ट्री में जो खर्चा लगा वो तो लगा ही लगा, हमने ऑफिस के खर्चे भी जोड़ने के बाद उसे क्या नाम दे दिया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि जी जो हमने प्रोडक्शन की है उसकी लागत इतनी है, उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी है। सपोज करो हमने पूरे साल में फैक्ट्री के अंदर 50,000 क्वांटिटी बनाई, ये तो अमाउंट लिख रहे हैं ना हम। मान लो हमने कितनी क्वांटिटी बनाई? 50,000, और ये जो खर्चा लगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, मान लो वो 5,00,000 रुपए आई। कितनी आई? 5,00,000। पूरे साल में कितना खर्चा आया यहां तक का?
प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई? 5 लाख। कितनी क्वांटिटी बनाई? 50,000। क्या जरूरी है कि मैं ये सारी की सारी बेच दूं? स्टॉक बच सकता है ना, ये तो मेरा फिनिश्ड गुड्स बना। अब आपने क्या करना है, अगला काम क्या है? जो माल बेच दिया उसकी लागत बताओ। और मैंने आपको अलग से बताया कि देखो जी, हमारे पास कुछ तो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था। कितना पड़ा था? 10,000 पड़ा था जी। और हमने और कितना बना लिया? अभी अभी बताया मैंने आपको, कितना बना लिया? 50,000। तो आपके पास साल के एंड में कितना होना चाहिए था? 60,000। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि जी मेरे पास तो क्लोजिंग स्टॉक ओनली 5,000 ही पड़ा है, बाकी 55 कहां गया? कहां गया? सेल कर दिया। हमारा काम है ये तो माल बनाकर बेचना। तो आपने कहा कितना बेचा हमने? 45,000। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने 50 की तो कॉस्ट बता दी मुझे, 5 लाख है जो मैंने माल बेचा है उसकी कॉस्ट बताओ मुझे। 45,000 क्वांटिटी की कॉस्ट बताओ। आप मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रहे हो, मैं आपसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ रहा हूं। हां जी, चलो जितना भी आएगा 55। ओके, मैं आपसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ रहा हूं। 55,000 क्वांटिटी जो मैंने बेची है उसकी लागत बताओ। डिस्कस करते हैं। देखो मैंने क्या किया, क्वांटिटी में क्या किया, 55 निकालने के लिए क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक को 50 में जोड़ा है और क्लोजिंग स्टॉक को घटाया है। तो 50 की कॉस्ट मुझे पता है, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की लागत इसमें जोड़ दूं, क्लोजिंग स्टॉक की लागत घटा दूं, जो बचेगा वो क्या बचेगा? 55 को बेचने की कॉस्ट बच जाएगी। तो इसमें मैं यही करने वाला हूं, देखना प्लीज। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितनी क्वांटिटी है मेरी? 10,000। अब ये तो पिछले साल बनाया होगा, उसमें से बचा होगा, दिमाग लगाओ। इस साल तो मेरा खर्चा 5 लाख आया है, 50,000 को बनाने का एक का खर्चा कितना हुआ? 10 रुपए। 10 रुपए, 5 लाख बटा 50,000, 10 रुपए एक का खर्चा हो गया। तो ये तो पिछले साल वाले में से बचा हुआ ओपनिंग है इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग होगा। अब पिछले साल क्या खर्चा आया था पता ही नहीं हमें, अज्यूम कर लें पिछले साल भी 10 रुपए ही आया होगा। तो ये 10,000 कितने की हो गई? 1 लाख की हो गई। लो जी, मैंने कहा 5 लाख रुपए का माल मैंने इस साल बनाया, 1 लाख रुपए का माल पुराना पड़ा था। रुपए में बात करो, क्वांटिटी में बात नहीं कर रहा, 1 लाख रुपए का माल पुराना पड़ा था, 5 लाख का इस साल बनाया, इस साल के अंत में 6 लाख का माल होना चाहिए। बट पता लगा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? केवल 5,000 क्वांटिटी है। ये 5,000 किसमें से बचा होगा? फिफो मेथड लगाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना माल बेच दिया होगा पहले। सबसे पहले 10,000 क्वांटिटी बिकी होगी, ठीक है? और टोटल कितनी बेची हमने? 55,000। 10 तो पुरानी बेची, बची 45, वो किसमें से बेची? इस 50 में से। तो जो 5 बची किसमें से बची? इस 50 में से। इस 50 का खर्चा कितना है? 5 लाख। 1 का खर्चा कितना है? 10 रुपए। तो 5 का खर्चा कितना है? 50,000। ओके है ना, लेस कर दिया तो कितनी कॉस्ट आ गई? 5,50,000। कोई प्रॉब्लम किसी को? सिंपल भाषा में दोबारा समझ लेते हैं कि देखो जी, 5 लाख रुपए का माल इस साल बनाया था, 1 लाख रुपए का माल पुराना पड़ा था, 6 लाख का माल इकट्ठा हो गया, उसमें से 50,000 का तो माल बचा ही पड़ा है, 5,50 का माल बेच दिया। जो माल बेचा उसकी लागत कितनी है? 5,50। जो माल बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 5,50। तो मैंने नाम क्या दिया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने सुना हुआ नाम पहले, बट वो नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? सोना नहीं है भाई, कुछ लोगों को वासी आ रही है, सोना नहीं है, जागते रहो। यहां तक ओके है ना? क्या सारे खर्चे लिख दिए मैंने? कोई ऐसा खर्चा जो रह गया हो, जो खर्चा यहां कवर ना हुआ हो या यहां कवर ना हुआ हो? हां जी बोलो।
एडवर्टाइजमेंट सही बोला इन्होंने, एडवर्टाइजमेंट ऑफिस का खर्चा है क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारे ही खर्चे रह गए। आप अपनी कॉस्ट को तीन मेजर मेजर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, फैक्ट्री की सारी कॉस्ट, ऑफिस की सारी कॉस्ट और सेलिंग की सारी कॉस्ट। फैक्ट्री में माल बनता है, ऑफिस में मैनेजमेंट चलती है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में माल बिकता है, ठीक है ना। तो अब आपने वो खर्चे भी जोड़ देने हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी जोड़ देने हैं। अब अगर सियाने बच्चे हो तो ये बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? सेलिंग एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या है? सियाने हो तो बता दोगे। पहले बात यही बता दो, गोडाउन और वेयर हाउस में फर्क क्या है? बता दो, कोई भी बता दो भाई, डिफरेंस बिटवीन गोडाउन एंड वेयर हाउस। हाँ जी, के साइड हो जाओ, के छोड़ो, डिफरेंस के साइड हो जाओ बस आप। गोडाउन में कच्चा माल स्टोर होता है, रॉ मटेरियल, वेयर हाउस में फिनिश्ड गुड स्टोर होते हैं, ठीक है ना। क्लियर रखना है इस अंडरस्टैंडिंग को। गोडाउन में रॉ मटेरियल स्टोर होता है और वेयर हाउस में फिनिश्ड गुड स्टोर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। सेलिंग में माल की सेल करने के लिए जो खर्चे हम करते हैं वो सब सेलिंग एक्सपेंस है, लाइक एडवर्टीजमेंट। क्यों करते हो? माल बिके, शोरूम, अच्छा सा शोरूम बनाते हो, शोरूम के सारे खर्चे सेलिंग। शोरूम में सेल्समैन रखे हैं, सेल्समैन की सैलरी क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। सेल्समैन मार्केट में घूमते रहते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, भी हाँ भाई कोई डील है मान लो तो कस्टमर के पास जाके आ गए। अब देखिए सेल्समैन घरों में भी कई बार आते हैं, तो वो उनका ट्रैवलिंग का खर्चा लगता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ आएगा? सेलिंग में आएगा, समझ गए। इस तरह के सारे खर्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बैड डेट्स कहां आएगा? बैड डेट्स सेलिंग में आएगा, ऑफिस में नहीं आएगा। बैड डेट्स क्या होता है कि जी अगर माल ज्यादा बेचना है तो उधार बेचना जरूरी है, और उधार बेचोगे तो कुछ रुपया डूबेगा। इस सोच के साथ बैड डेट्स आपने सेलिंग एक्सपेंस में शामिल रखना है, समझ गए। ऑफिस में तो वैसे भी जस्टिफाई नहीं होता, क्या ऑफिस चलाने के लिए बैड डेट्स होते हैं क्या, या एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए बैड डेट्स होते हैं? सेलिंग में आएगा, ओके है, याद रह जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या बला है? पूजा बताओ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चलो देसी भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं ये बता दो। बांटना, यहां पर क्या बांटोगे? बल्ले पापड़ी, तो क्या बांटोगे? सैंपल तो एडवर्टीजमेंट है। हाँ जी, गुड्स बांटेंगे भाई, गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना डिस्ट्रीब्यूशन है आपके लिए। आपने जो माल बनाया है, फिनिश्ड गुड्स जो बनाया है, कहां स्टोर है फिनिश्ड गुड्स? वेयर हाउस में। वेयर हाउस से माल कस्टमर तक पहुंचाना डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसे एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो वेयर हाउस के खर्चे ही कौन से खर्चे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के। जैसे वेयर हाउस कीपर सैलरी, वेयर हाउस कीपर वो होता है जो वेयर हाउस की देख रेख रखता है, एक ऐसा बंदा जो हमने बिठा रखा है कि देख भाई ये वेयर हाउस तेरे हवाले है, कितना माल आ रहा है कितना माल जा रहा है हिसाब किताब रखियो। हम उसको सैलरी देते हैं, वो सैलरी हमारा जो वेयर हाउस कीपर की सैलरी है कौन सा खर्चा है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ठीक है जी। अब वेयर हाउस से माल जा रहा है, आपने कैरिज आउटवर्ड दिया है, कैरिज आउटवर्ड, सुना ना नाम, कैरिज आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है। कैरिज इनवर्ड परचेज में आएगा, मटेरियल में आ जाएगा, गेटिंग ना, समझ गए। अब आप देखते हो सुबह सुबह ये जो मिल्क वाली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे वीटा है अपने हरियाणा में, विर्क है पंजाब में, सरस है राजस्थान में, उनकी डिलीवरी वैन्स आती है दुकानों पर, दूध सप्लाई करके जाती है, दूध दही पनीर जो भी देके जाती है। अब डिलीवरी वैन एक्सपेंस, वीटा के मान लो आप अकाउंट्स बना रहे हो, वीटा के कोस्टिंग कर रहे हो, तो उसमें डिलीवरी वैन एक्सपेंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, समझ गए। अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का सारा काम, आपके वेयर हाउस से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कवर होता है। तो याद रखिएगा आगे से सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पता होना चाहिए। हालांकि यहां हमें जरूरत नहीं पड़ी, सेलिंग हो तो भी यहां आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो भी यहां आएगा, आपको पता होना चाहिए।
ठीक है जी, ये लो फिर हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी यहां जोड़ दिए। ओके, ये जो आपका आएगा, ये सारा काम हो गया है, इसको आप टोटल कॉस्ट नाम दे सकते हो, इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नाम दे सकते हो, CGS। प्लीज फाइनेंशियल अकाउंट वाले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यहां मत लगाना, वहां तो आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ट्रेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मूला किया होगा, बट वो यहां नहीं लगेगा। इसको टोटल कॉस्ट कहो ज्यादा अच्छा है, कुछ लोग इसको कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, तो भी एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ सेल कहो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहो, टोटल कॉस्ट कहो, सारे खर्चे इसमें आ गए हैं। और अब कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़ के क्या कर देते हो, सेल कर देते हो। अब अगर मैं इसके अंदर प्रॉफिट भी जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी, सेल। अतः ये टॉपिक होता है यहां पर समाप्त। कुछ छोटी मोटी बातें भी कर लेंगे, इसके अलावा ओवरऑल ये ओवर होती है, कॉस्ट शीट यहां पे खत्म होती है। इतना याद रख पाओगे ना, कहानी के तौर पर याद करो, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मान लो जो आपके खर्चे हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखो। एक मिनट भाई, बस फैक्ट्री में सबसे पहले क्या लगेगा, मटेरियल। विजुलाइज करो, फैक्ट्री के अंदर गए, मेन माल बन रहा है, वहां पर अपने माल देखा, वेजिस देखी, वर्कर काम कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहे हैं, प्राइम कॉस्ट नाम दे दिया। फिर नजर दौड़ाई और कौन से खर्चे लग रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, कोयला दिख रहा है आपको, सुपरवाइजर संभालते दिख रहे हैं, चाय पिलाने वाला लड़का दिख रहा है आपको, चाय पिला रहा है, फैक्ट्री का किराया समझ में आ गया आपको, मशीनों का डेप्रिशन समझ में आ गया, लाइटिंग समझ में आ गई, आपने कहा ये सब खर्चे भी जोड़ दो, किसमें, फैक्ट्री ओवरहेड में, पूरी की पूरी फैक्ट्री कवर कर ली। अब फैक्ट्री से बाहर निकले, हमें अच्छा सा ऑफिस दिखा, ऑफिस में स्टाफ को विजुलाइज किया, स्टाफ की सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑडिट एक्सपेंस, अकाउंटेंट की सैलरी, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड ऑल दैट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे, मैनेजर की सैलरी, सब यहां लिख दी। हमने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब हमने कहा कि पूरे साल में जो माल बनाया है उसकी तो लागत पता लग गई, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो माल बेचा है उसकी क्या लागत है। जो माल बेचा है उसकी लागत जानने के लिए ओपनिंग स्टॉक जोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक घटाया, जो माल बेचा है उसकी लागत पता लग गई। हमने कहा जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पता लग गई, लेकिन क्या इस माल को बेचने में और खर्चे नहीं लगे होंगे, लगे होंगे। जो माल बेचा है 55,000 क्वांटिटी, उसको बेचने में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और लग गए। अब कोई आपसे पूछ ले कि जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चा लगा है, मान लो ये 1,00,000 लगा है, ये 1,00,000 का खर्चा 50,000 पर लगा है या 55 पर लगा है, 55 पर लगा है, बिकॉज कितनी क्वांटिटी बेची है, जितनी बेची है उसके ऊपर ही सेलिंग एक्सपेंस लगेंगे ना, तो 55 पर लग गए, टोटल कॉस्ट आ गई, सेल हमें पता थी, बैलेंसिंग फिगर से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट दे देगा तो प्रॉफिट जोड़ के सेल निकाल लेना, आपको सेल दे देगा, कॉस्ट आप निकाल चुके हो, फर्क क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज बता दीजिए, ओके है। एक हल्का सा क्वेश्चन मेरा और है, फिनिश्ड गुड्स का तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कर लिया, क्या स्टॉक एक ही तरह का होता है, रॉ मटेरियल का भी तो स्टॉक होता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस भी कोई चीज होती है, उनका तो जिक्र ही नहीं किया, कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल के स्टॉक की। मैंने यहां पे क्या लिखा है, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल है ना यहां पर, और क्या लिखा है, कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मतलब जितने रुपए का कच्चा माल लग गया। मैंने आपको कहा कि जी रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 1,00,000 पड़ा था जी, और इस साल मैंने परचेज किया 1,00,000 का और, या 4,00,000 का और परचेज किया, तो बताओ साल के एंड में मेरे पास कितना होना चाहिए था, 5,00,000। लेकिन जब मैंने चेक किया कच्चे माल का स्टॉक कितना पड़ा है, पता लगा केवल 50,000 का ही पड़ा है, तो बाकी 4,500 का क्या हुआ, फैक्ट्री में कंज्यूम हो गया।
यही बचता है ना, 1 लाख का कच्चा माल पड़ा था, 5 लाख का साल के दौरान और ले आए, 6 लाख का होना चाहिए था, चेक किया 50,000 का कच्चा माल पड़ा है तो बाकी 4 लाख और ले आए, 5 का होना चाहिए था, 50 का पड़े तो बाकी 4.5 लाख क्या हुआ, कंज्यूम हो गया। तो यहां पर क्या फॉर्मूला बना आपका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओके है। वन पॉइंट मोर टू अंडरस्टैंड, माल को खरीदने का जो खर्चा है वो भी यहां जोड़ लीजिए, लाइक कैरिज, कैरिज भी जुड़ेगा ना, समझ गए। परचेज और माल को खरीदकर गोडाउन तक लाने तक के सारे खर्चे जुड़ेंगे। परचेज के ऊपर क्या कैरिज इनवर्ड हो गया, माल लो माल ला रहे थे, रास्ते में नाके वालों ने रोका, टैक्स भर दिया हमने माल का, रास्ते का टैक्स भर दिया, माल का इंश्योरेंस करवाया था रास्ते माल खराब ना हो जाए, तो वो भी यहां आएगा। मैं सारे नहीं लिख रहा यहां पर, आप समझ लेना, माल को गोडाउन तक पहुंचाने के सारे खर्चे, चाहे रास्ते का इंश्योरेंस हो, कोई टैक्स हो, ऑक्ट्रोई हो, इंपोर्ट ड्यूटी हो, सब जुड़ेंगे यहां पर, ओके है ना, कोई प्रॉब्लम। तो क्या सीखा आपने कि जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरिज एटसेट्रा, मान लो 50,000 है, और माइनस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। मान लो मेरे पास क्लोज, ये तो हो गया आपका 5.5 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है मान लो 20,000 का, तो आप कह रहे हो कि सर 5,30,000 आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ओके, कोई प्रॉब्लम। हल्का सा चेंज, मेरे पास कच्चा माल पड़ा था, पड़ोस में एक मैडम फैक्ट्री चलाती है, इनका कच्चा माल खत्म हो गया, मेरे पास आए कि सर थोड़ा सा रॉ मटेरियल दे दो, हमारी फैक्ट्री में चाहिए, जब हम ले आएंगे आपको दे देंगे। तो मैंने इनको 30,000 का रॉ मटेरियल दे दिया, अब उसका मैं यहां क्या करूं, मुझे क्या लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मैंने इनको 30,000 का दे दिया, क्या मैंने मेरी फैक्ट्री में कंज्यूम किया है, तो क्या करना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। तो मैं यहां लेस करूंगा सेल ऑफ रॉ मटेरियल 30,000, वो भी लेस होगा, तो ये 5 लाख ही आएगा, समझ गए। छोटा सा क्वेश्चन और है, जो माल 30 का दिया था ना, वो 28 का खरीदा था मैंने, मैंने कहा पोस्ट पे क्यों दूं, एक तो मेरी कंपटीटर है, अब माल मांगने आएगी तो मना तो कैसे करूं, बट कुछ तो महंगा लगाऊंगा, 28 की कोस्ट का माल 30 में दिया, या 28 घटाऊं या 30 घटाऊं, 28 घटाना है, जो 2,000 मेरा प्रॉफिट है, नो डाउट प्रॉफिट है, वो अलग और कहीं जाएगा। अब एक पॉइंट और क्लियर करो, कोस्ट शीट में जो आपने माल बनाया है उसकी सच्ची लागत जाननी है, और जो उसको बेचा है उसको एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट जानना है कि माल बेचकर कितना प्रॉफिट हुआ, कोई कच्चा माल बेच दिया, कहीं पैसे उधार देके ब्याज कमा लिया, डिविडेंड कमा लिया, उनकी बात नहीं कर रहे हम यहां पर। मैंने इनकम में ओनली कौन सी इनकम लिखी है, सेल, याद करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें तो बाय इंटरेस्ट रिसीव भी आता था, बाय रेंट रिसीव भी आता था, बाय डिविडेंड रिसीव भी आता था, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आता था, सेल भी आती थी ट्रेडिंग में और पीएनएल में बाकी इनकम भी आया करती थी, लेकिन यहां बाकी इनकम का कुछ नहीं लेना, यहां पर ओनली एंड ओनली माल बेचकर जो इनकम वो लिखनी है। अगर मैं यहां पर 30 लिख देता, सोचो विजुलाइज करो, यहां पर 28 आना चाहिए ना, और मान लो मैं 30 लिख देता, घटाना 28 था, 30 घटा दिया, ये वैल्यू कम आती ना, समझ गए, ये वैल्यू अगर कम आती तो मेरी टोटल कॉस्ट कम आती, टोटल कॉस्ट कम आती, सेल इतनी ही है, प्रॉफिट मेरा ज्यादा आता, और ये मैं चाहता नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी फैक्ट्री से नेट कितना प्रॉफिट हुआ है। 28 का माल 30 में बेचा, 2,000 नो डाउट इनकम है, बट वो फैक्ट्री की इनकम नहीं है, उसे कहीं और डिस्कस करेंगे, यहां डिस्कस नहीं करेंगे, इसीलिए ये जो लेस करना है ये हमेशा एट कॉस्ट लेस करना है, समझ गए हो ना, ओके, कोई प्रॉब्लम।
तो ओपनिंग स्टॉक जुड़ा है, देखा जाए तो क्या है, ये सेम रूल लगा है, परचेज थी हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक जुड़ा है और क्लोजिंग स्टॉक लेस हुआ है। एक और कौन सा स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का, वो आपने वर्क कॉस्ट के साथ यहां करना है, फैक्ट्री कॉस्ट में यहां ऐड कर देना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये ऐड हो गया और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, लेस हो गया। समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम? इसका लॉजिक भी बताया तुम थोड़ा सा। पिछले साल के एंड में 30,000 रुपए लगने थे माल के ऊपर, मैंने 15,000-20,000 लगाए हुए थे। मान लो ये मार्कर्स ही थे, मैंने ना तो इनके ऊपर की कुछ कारीगरी करी है ना कोई पेंटिंग करी है, बस सिर्फ आधे अधूरे मार्कर बने हुए पड़े थे 31 मार्च को। 31 मार्च आ गई, साल खत्म हो गया, ऐसे लगभग 15,000 रुपए लगा हुआ माल पड़ा है, जिस पर अभी 15,000 और लगाना पड़ेगा तब जाके पूरा माल बनेगा। लेकिन ईयर एंड आ गया तो कुछ माल हमेशा आधा बना बनाया रह जाता है 31 मार्च को, 1 अप्रैल 2 अप्रैल को पूरा कर लेंगे उसे, लेकिन अब 31 मार्च को तो आधा अधूरा माल पड़ा है ना। पिछली 31 मार्च की बात कर रहा हूँ, मान लो लास्ट ईयर का क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, 15,000 का माल ऐसा था जो पिछले साल आधा बना बनाया पड़ा था, इस साल मैंने इसके ऊपर 15,000 और लगा दिए, वो जो और लगाए वो इसमें आ गए होंगे ना, और जितना मटेरियल लगा है इस साल के दौरान और जितनी मजदूरी हमने इस साल पे करी है वो सारी यहाँ आ गई, तो ऊपर का 15 तो यहाँ आ चुका, पिछले साल जो 15 लगे थे वो भी तो लिखूंगा यहाँ पर, तभी तो मेरा माल 15 + 15 यहाँ 30 का आएगा, जो माल बेच रहा हूँ वो 30,000 उसकी कॉस्ट है ना, 15 पिछले साल मैं लगा चुका था, 15,000 इस साल लगा चुका हूँ, तो 15 + 15 30 आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिया। समझ गए? अच्छा, इस साल मैंने काफी खर्चा किया यहां लिख रखा है, उसमें से अगेन इस साल के एंड में फिर कुछ माल आधा बना बनाया पड़ा है, मान लो 20,000 का ऐसा माल है जिस पर मैं 20,000 खर्च कर चुका हूं लेकिन पूरा नहीं बना, तो क्या वो माल की प्रोडक्शन पूरी हो गई? नहीं हुई ना, तो क्या वो खर्चा तो यहां लगा हुआ है, इस साल जितनी भी मजदूरी दी है, इस साल जितना भी माल खरीदा है, इस साल जितने भी खर्चे लगे हैं सब लिख रखे हैं मैंने, उसमें उस माल का खर्चा भी शामिल है जो इस साल के एंड में आधा अधूरा पड़ा है, लेकिन प्रोडक्शन तो पूरी हुई नहीं, तो क्या करूंगा, उसे लेस कर दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस हो गया। ये सर्कल फिर अगले साल सेम चलेगा, इस साल पूरा नहीं हो पाया लेस कर दिया, अगले साल पूरा हो जाएगा, अगले साल इसको ऐड कर देंगे ओपनिंग कह के। समझ गए? ये कोशिट है, यहां तक कोई दिक्कत है बता दो, ओके है, याद रख पाओगे इतना? तो ये कोशिट कल जब पाओ तो पूरी की पूरी आपको इसी फॉर्मेट में लर्न होनी चाहिए। अगर ये आपकी कोशिट हो गई तो समझ लो यूनिट और आउटपुट कोस्टिंग का फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। हम आने वाले 2 से 3 दिन में उसके क्वेश्चंस कवर करते हुए चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है।